हेलो एवरीवन, तो नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स हमारा रहेगा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, इनवर्स पॉइंट्स, कन्फॉर्मल मैपिंग एंड क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इनवर्स पॉइंट्स से। इनवर्स पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू सर्कल, ठीक है। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि लेट एस बी ए सर्कल विद सेंटर सी एंड रेडियस आर, देन टू पॉइंट्स पी एंड क्यू आर इनवर्स पॉइंट्स इफ, पहली कंडीशन क्या रहेगी, पी एंड क्यू आर कोलिनियर विद सेंटर सी। तो सबसे पहले तो कंडीशन क्या रहेगी, जो आप P और Q पॉइंट्स ले रहे हो वो क्या होने चाहिए, कोलिनियर होने चाहिए सेंटर के साथ, यानी कि C, P, Q सभी के सभी क्या होने चाहिए, एक ही लाइन के अंदर होने चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या रहेगी, P एंड Q आर ऑन सेम साइड ऑफ द सेंटर, सेंटर के एक ही साइड में होने चाहिए दोनों के दोनों पॉइंट्स। थर्ड और इम्पोर्टेंट जो कंडीशन है वो क्या रहेगी, कि जो दो पॉइंट्स आपने लिए हैं उनका डिस्टेंस लो सेंटर से, यानी कि सी पी और सी क्यू, और उनकी प्रोड करते हो, यानी कि इन पॉइंट्स की डिस्टेंसेस का प्रोड करते हो सेंटर से लेकर के, तो वो प्रोडक्ट क्या आनी चाहिए, आर स्क्वेयर, यानी कि ये क्या है, आर रेडियस, ठीक है। तो ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई चेक करनी है आपने अगर इनवर्स पॉइंट बनाना है तो, यानी कि इस तरह की ज्योमेट्रिकल जो इंटरप्रिटेशन इसका निकलेगा, ये हमने सर्कल लिया हुआ है आर रेडियस का विद सेंटर सी, देन अगर आप पॉइंट्स पी और क्यू इनवर्स लोगे तो वो सबसे पहले तो एक ही लाइन में होंगे, फिर यहाँ से अलग अलग केसेस हो सकते हैं कि पी, पहला केस P lies on सर्कल, ये पॉइंट अगर सर्कल के ऊपर आ जाता है कहीं भी, ठीक है, देन तो इसके लिए जो इनवर्स पॉइंट होगा वो क्या हो सकता है, क्योंकि अगर P सर्कल पे आया तो CP यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर क्या आ जाएगा, R। तो कंडीशन क्या थी, अगर हम थर्ड कंडीशन का यूज़ करें, सी पी इंटू सी क्यू इज इक्वल टू आर स्क्वेयर, ये आर कैपिटल है। अब यहाँ से कंडीशन थी सी पी सी क्यू इज इक्वल टू आर स्क्वेयर, यानी कि सी पी आर है तो आपका सी क्यू क्या हो जाएगा, आर, सी क्यू को भी आर, यानी कि क्यू पॉइंट जो होगा जो पी के यूनिवर्स का काम करेगा वो भी आपका सर्कल के ऊपर होगा। अब इस कंडीशन का यूज़ करोगे कि सारे के सारे कोलिनियर है, तो अगर आप कोई भी पॉइंट सर्कल के ऊपर उठाओगे तो उसका जो इनवर्स होगा वो खुद ही पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। अब सेकंड केस आप इसमें ले सकते हो कि P lies inside, अगर P पॉइंट आपका सर्कल के अंदर आ जाता है, तो अगर P lies inside आएगा तो CP का जो डिस्टेंस होगा वो R से छोटा होगा, रेडियस से छोटा होगा। अगर इसका रेसिप्रोकल करोगे तो यहाँ से 1/CP बड़ा हो जाएगा 1/R से, ठीक है। अब देखो यहाँ से थर्ड कंडीशन से CP, यहाँ से आप CQ निकाल सकते हो, CQ क्या होगा, R स्क्वेयर बाय CP। अब ये कंडीशन लेके आनी है तो दोनों साइड में क्या करता हूँ, आर स्क्वेयर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि पॉजिटिव क्वांटिटी कोई इफेक्ट नहीं आएगा इनक्वालिटी पे। इसको हम क्या लिख सकते हैं, सी क्यू।
अब ये आर कैपिटल है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, आर बच जाएगा। यानी कि अगर आपने पी इनसाइड लिया तो जो इसके लिए इनवर्स पॉइंट का काम करेगा वो कौन सी सेटिस्फाई करेगा प्रॉपर्टी, सी क्यू, यानी कि सेंटर से डिस्टेंस उसका आर से बड़ा होगा, यानी कि वो आउटसाइड होगा। पी लाइज इनसाइड तो क्यू इज आउटसाइड, तो ये सेकंड केस आ सकता है, यानी कि दोनों के दोनों पॉइंट्स बाहर नहीं ले सकते। एक अगर बाहर लोगे तो एक अंदर आएगा, तो एक अंदर है तो अपने आप दूसरा बाहर हो जाता है। ये दो केसेस आप इसमें स्टडी कर सकते हो, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि पी आउटसाइड इनसाइड का क्या चक्कर रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। अब हम इसके लिए इक्वेशन तैयार करते हैं कि हमें एक इक्वेशन चाहिए जिससे हम इनवर्स पॉइंट्स निकाल सकते हैं, ठीक है वो ड्राइव। अब नेक्स्ट हम डेरिवेशन कर लेते हैं इक्वेशन का। तो आपको एक मान लेते हैं सर्कल दिया हो विद सेंटर सी एंड रेडियस आर, और पी एंड क्यू दो पॉइंट्स आप मान रहे हो इनवर्स है, तो पी आप अंदर लोगे तो क्यू सर्कल से बाहर आएगा, ठीक है। अब देखो ये कोलिनियर है पॉइंट, तो यहाँ से अगर आप पोजीशन वेक्टर चेक करो पी के लिए तो पोजीशन वेक्टर सी पी आएगा, और क्यू के लिए सी क्यू आएगा, ठीक है। यानी कि अगर आप पी पॉइंट्स पे और क्यू पॉइंट्स पे आर्गुमेंट चेक करते हो तो इस वेक्टर का आर्गुमेंट आप ले सकते हो कि आर्गुमेंट ऑफ सी पी, तो सी पी को आप लिख पाओगे पी माइनस सी इक्वल आ जाएगा आर्गुमेंट ऑफ क्यू माइनस सी, ठीक है। तो ये जो आर्गुमेंट होता है हमारा वो एंगल आप मेज़र करते हो पॉजिटिव एक्सिस के साथ, ठीक है। जहाँ से भी मेज़र करोगे अगर आपका ये ओरिजिन ले रहे हो आप सेंटर को, तो यहाँ से आर्गुमेंट डायरेक्ट कहाँ से मेज़र होगा, इस सेंटर सी से। अगर ये नहीं है फिर भी अगर आप रेफरेंस पॉइंट और भी रखोगे तो इन दो पॉइंट्स का जो आर्गुमेंट आएगा, यानी कि पी माइनस सी जो वैक्टर है और पी माइनस क्यू, इनकी डायरेक्शन सेम है, यानी कि ये पॉजिटिव एक्सिस के साथ दोनों एंगल सेम बनाएंगे। तो हम उस फैक्ट से हम ले सकते हैं कि आर्गुमेंट ओ पी माइनस सी एंड क्यू माइनस सी का सेम होगा, ठीक है। फिर हमारे पास प्रॉपर्टी होती है कि आर्गुमेंट ऑफ जेड बार वो होता है माइनस ऑफ आर्गुमेंट ऑफ जेड। ये आप देख सकते हो कि जेड को अगर आप पोलर फॉर्म में नोटेट करते हो तो ई की पावर आयोटा थीटा ये आएगा, जेड कंजुगेट तो कंजुगेट करोगे तो आर ई एच डीज रहेगा, ई की पावर माइनस आयोटा थीटा हो जाता है, तो ठीक है। तो यहाँ से जब आपने कंजुगेट किया तो थीटा माइनस थीटा में कन्वर्ट हो गया, इसलिए हमने लिख दिया कि जब आप कंजुगेट करोगे तो उसका जो आर्गुमेंट होगा उसमें चेंज आ जाएगा नेगेटिव का, ठीक है। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं आर्गुमेंट ऑफ क्यू माइनस सी का कंजुगेट माइनस के साथ, फिर इसको इधर ले गया होगा तो ये बन जाएगा आर्गुमेंट ऑफ पी माइनस सी प्लस आर्गुमेंट ऑफ क्यू माइनस सी कंजुगेट इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। इनको अलग अलग कंजुगेट की प्रॉपर्टी होती है कि सेपरेट हो जाता है एडिशन के अंदर। अब आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी हमने की थी पिछली वीडियो में, हमने देखा था कि अगर आपको दो पॉइंट्स की प्रोडक्ट का आर्गुमेंट निकालना हो तो आप अलग अलग करके उसका सम कर सकते हो, ठीक है। ये भी आप इजीली प्रूफ देख सकते हो इसका भी। तो यहाँ से हम लिख पाएंगे कि आर्गुमेंट ऑफ पी माइनस सी क्यू माइनस सी, ये लिख पाओगे, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो। अब ये जो नंबर है उसका आर्गुमेंट क्या आ रहा है, जीरो। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि जो नंबर है वो आपका क्या है, रियल है और पॉजिटिव भी आएगा। ये जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव एंड रियल, क्योंकि जब हमने आर्गुमेंट किया तो वहाँ पे हमने देखा था कि जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है उसका आर्गुमेंट प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या आता है, जीरो, ठीक है। यहाँ से आप इसको जो ये प्रोडक्ट है उसको आप रियल एंड पॉजिटिव बोल सकते हो, इसी का यूज़ अब हमें करना है, ठीक है। ये तो हमने कर लिया इसका यूज़ कि ये पी क्यू एंड सी आर कोलिनियर, एक प्रॉपर्टी का यूज़ करके हमें ये बना लिया। सेकंड प्रॉपर्टी हमें दी हुई थी कि इनका डिस्टेंसेज जो है, यानी कि पी माइनस सी का मोड क्यू माइनस सी का मोड, ये किसके बराबर होता है आपका, आर स्क्वेयर के बराबर, ठीक है।
अब मोड की भी प्रोबेबिलिटी होती है मोडलस की, कि आप दोनों को अलग अलग कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग किए हुए हम इनको इकट्ठा करेंगे। यहाँ पहले इसी से पहले हम कर सकते हैं कि P माइनस सी, क्योंकि इसका यूज़ करना है, यानी कि ये लेके आना है, तो हम यूज़ कर सकते हैं कि चाहे आप कंजुगेट का मोड करो चाहे डायरेक्टली मोड करो, दोनों इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि आप जेड को एक्स प्लस आयोटा वाई लेते हो, तो जो जेड का मोड आता है वो क्या होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। अगर जेड कंजुगेट करोगे तो एक्स माइनस आयोटा वाई होगा, यानी कि मोड जेड में तो कोई फर्क नहीं आएगा, वो तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर का रूट ही रहने वाला है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसी को क्यू माइनस सी का कंजुगेट लिख सकते हैं, फिर इकट्ठा करेंगे तो उस प्रॉपर्टी का यूज़ हो जाएगा, पी माइनस सी एंड क्यू बार अलग अलग कर सकते हैं उसको कंजुगेट को, इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। अब देखो ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, हम प्रूफ कर चुके, अगर पॉजिटिव क्वांटिटी होता है उसको चाहे मोड में रखो चाहे मोड में ना रखो एक ही बात है। तो हम इसको पी माइनस सी क्यू कंजुगेट माइनस सी कंजुगेट ये लिख पाओगे, ठीक है, इस कंडीशन से। तो यहाँ से हमने बना लिया कि P माइनस सी जो आएगा वो आर स्क्वेयर बाय क्यू कंजुगेट माइनस सी कंजुगेट ये आएगा, ठीक है। और इससे हमें पता चला कि P इज इक्वल टू, उधर लेके जाओगे C को, C प्लस आर स्क्वेयर बाय क्यू कंजुगेट माइनस सी कंजुगेट, ये आपकी इक्वेशन बन चुकी है, ठीक है। कि अगर आपको P पॉइंट दिया जाए और आपको बोला जाए उसके लिए इनवर्स पॉइंट बताओ, तो आप क्या करोगे, ये C सेंटर है, R रेडियस रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका निकल आएगा, P निकल आएगा, अगर आप Q की वैल्यू पुट करोगे तो आपका P निकल आएगा, ठीक है। यहाँ से ऐसे आप इनवर्स पॉइंट निकाल सकते हो, इस इक्वेशन को याद रखे, जहाँ पे C क्या है, सेंटर है, एंड R क्या है, रेडियस, ठीक है। इस इक्वेशन को आप याद रख सकते हो, और यहाँ से इसकी इक्वेशन ड्राइव कैसे करते हैं वो भी आप सही से नोट आउट कर सकते हो, ठीक है। अभी हमने P और Q पॉइंट या अल्फा बीटा मान लो आप इनवर्स पॉइंट है, तो सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, तो उससे रिलेटेड हम एक रिजल्ट और करते हैं कि इन द इक्वेशन ऑफ सर्कल में आप कैसे देख सकते हो कि दो पॉइंट इनवर्स पॉइंट होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है। तो जो इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है जेड माइनस ए इज इक्वल टू आर, तो इसको आप रिप्रेजेंट कर पाते हो, अगर दोनों साइड हम स्क्वेयर करें तो जेड माइनस ए, जेड माइनस ए का कंजुगेट ये लिख सकते हो आप, ठीक है। अगर हम दोनों साइड क्या कर देते हैं, स्क्वेयर कर देते हैं, तो यहां से आप इसको लिख पाओगे जेड जेड बार माइनस ए जेड बार और माइनस ए बार जेड प्लस ए मोड स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर, यानी कि अगर हम इक्वेशन आपको रिप्रेजेंट की जाए जेड जेड बार प्लस बी जेड बार प्लस बी बार जेड प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, इसको आप इक्वेशन की सर्कल रिप्रेजेंट कर सकते हो। लेकिन यहाँ से अगर दिया जाए तो सेंटर क्या होगा, इसके लिए सेंटर जो आएगा वो आएगा माइनस कोफिशियंट ऑफ जेड बार, और रेडियस क्या आएगी, आप रेडियस यहाँ से निकाल सकते हो, क्योंकि कंपेयरिंग करोगे दोनों साइड आर स्क्वेयर इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से आप देख पा रहे हो कि मोड ए स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर इज इक्वल टू सी स्क्वेयर, सी लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से आर स्क्वेयर को उधर लेके जाओगे तो मोड ए स्क्वेयर माइनस सी आ जाएगा, यानी कि आर क्या आएगा, अंडर रूट मोड ए स्क्वेयर माइनस सी। तो यहाँ से इसके लिए रेडियस क्या हो जाएगी, मोड ए स्क्वेयर माइनस सी, यानी कि ये सेंटर है, तो यहाँ पे आप बी लिख सकते हो या सेंटर लिख सकते हो इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। यानी कि सेंटर वाला पॉइंट जो आएगा, जो यहाँ से हमने निकाला है, उसका मोड करके स्क्वेयर कर देंगे, तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव है तो फर्क नहीं रहेगा। तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब अगर अल्फा बीटा, अल्फा एंड बीटा आर टू पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू सर्कल, विद रिस्पेक्ट टू सर्कल, इफ एंड ओनली इफ
ये जो इक्वेशन है उसके अंदर आप क्या पुट करो, अल्फा बीटा बार, एक बार बीटा का बार कर दो, प्लस बी जेड बार की जगह बीटा बार प्लस बी बार, और यहाँ रखो आप अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। एक बार क्या करो, अल्फा बार कर दो, बीटा को एज इट इज रखो, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी सेटिस्फाई हो जाए तो हम अल्फा एंड बीटा को क्या बोल देते हैं, इनवर्स पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल, ठीक है। तो एक ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको भी इस तरह से कई बार इक्वेशन में डायरेक्टली पूछ दिया जाता है कि अल्फा और बीटा इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल बताओ। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं कन्फॉर्मल मैपिंग्स या कन्फॉर्मल फंक्शंस भी बोल सकते हो। तो डेफिनेशन हम इसकी जो क्वेश्चन करने के लिए यूज़ करेंगे वो रहेगी, ए फंक्शन एनी फंक्शन एनी कन्फॉर्म एनी फंक्शन या मैप इज सेड टू बी कन्फॉर्मल इफ एंड ओनली इफ एफ जेड इज एनालिटिक, जिस भी डोमेन की बात कर रहे हो उस पर एनालिटिक, एंड एफ डैश जेड नॉट इक्वल टू जीरो ये होना चाहिए फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू डोमेन के पॉइंट्स के लिए, ठीक है। यानी कि अगर आपको कन्फॉर्मल चेक करना है तो पहले तो आप चेक करो एफ जेड एनालिटिक है या नहीं इन द गिवन डोमेन, ठीक है। फिर आप चेक करो कि एफ डैश उसका डेरिवेटिव करके, कि अगर उसका डेरिवेटिव सभी पॉइंट्स के लिए नॉन जीरो आ रहा है, सॉरी जीरो नहीं नॉन जीरो आ रहा है, तो उस मैपिंग को, उस फंक्शन को हम क्या बोल देते हैं, कन्फॉर्मल मैपिंग, ठीक है। अब यहीं से अगर मैपिंग आपकी कन्फॉर्मल नहीं होगी तो यानी कि या तो वो एनालिटिक नहीं होगा, अगर एनालिटिक होगा इनमें से कोई भी एक कंडीशन चुकेगी तो वो क्या हो जाएगा, नॉट कन्फॉर्मल, यानी कि किसी ने किसी पॉइंट के ऊपर आपका डेरिवेटिव जीरो आने की कंडीशन हो जाएगी फॉर सम पॉइंट्स जेड नॉट बिलोंग्स टू डोमेन, डोमेन के कुछ पॉइंट भी अगर डेरिवेटिव जीरो आ गया तो वो आपकी कन्फॉर्मल नहीं रहेगी, अगर एनालिटिक नहीं है तो भी नहीं रहेगी। तो इससे हमारा जो डेफिनेशन बनती है एक और जो आप याद रख सकते हो, क्रिटिकल पॉइंट्स, यानी कि जब आपकी मैपिंग कन्फॉर्मल नहीं हुई उसके अंदर कुछ पॉइंट्स के ऊपर डेरिवेटिव जीरो आ गया, उनको क्या बोलेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स, यानी कि दोज पॉइंट्स जेड बिलोंग्स टू डोमेन, डोमेन के वो पॉइंट्स सच दैट आपने फंक्शन का या मैपिंग का डेरिवेटिव किया वो जीरो आ गया, ठीक है। अगर आप इसको जेड नोट लेते हो या जेड भी लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, जिन पॉइंट्स के ऊपर डेरिवेटिव जीरो आ जाएगा उनको हम क्रिटिकल पॉइंट्स बोल देंगे। एग्जांपल के लिए आप कर सकते हो कि आपको एफ जेड दिया जाए जेड स्क्वेयर माइनस टू जेड प्लस थ्री, और आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ये जो मैपिंग दी हुई है वो डोमेन आप ले लो यूनिट सर्कल, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैपिंग आपकी कन्फॉर्मल होगी कि नहीं होगी या किस पॉइंट पे कन्फॉर्मल नहीं होगी, ठीक है। तो आप यहाँ से देखो कि जब हम डेरिवेटिव जेड इसका डेरिवेटिव करेंगे तो वो क्या आएगा, टू जेड माइनस टू, यानी कि डेरिवेटिव आपका जीरो हो सकता है, इज इक्वल टू जीरो पुट करोगे जेड इज इक्वल टू वन पे, यानी कि ये मैपिंग आपकी कन्फॉर्मल नहीं है इन वन के ऊपर, वन के ऊपर क्योंकि जीरो आ गया तो जेड वन आया तो उसको हम बोलेंगे क्रिटिकल पॉइंट। अगर आपका क्रिटिकल पॉइंट आ गया डोमेन के अंदर तो हम उसको क्या बोल देंगे कि वो कन्फॉर्मल मैपिंग नहीं है, ठीक है। और इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, वन। इसी तरह से और एग्जांपल देखें, इसमें ई टू दी पावर साइन जेड और यूनिट सर्कल ही लिया जाए तो इस केस में अगर आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो वो आएगा कोस जेड ई टू दी पावर साइन जेड, ये आएगा, ठीक है। अब ये तो कभी जीरो हो नहीं सकता, यानी कि अगर ये जीरो होगा तब ये जीरो हो सकता है। अब हमें चेक करना है कि क्या कोस जेड मोड जेड इज इक्वल टू वन इसमें किसी पॉइंट पे जीरो हो सकता है, तो आप चेक कर पाओगे
कि ये कोस जेड ऑलवेज नॉन जीरो रहेगा, क्योंकि पहला जो आएगा वो पाई बाई टू पे आने वाला है, जो एक से बड़ी ही होती है, ठीक है, पाई बाई टू की वैल्यू, ठीक है। तो ये आपकी मैप जो है वो क्या होगी, कन्फॉर्मल। ठीक है, तो इस तरह से आप कन्फॉर्मल मैपिंग का कंसेप्ट यूज कर सकते हो। आप कन्फॉर्मल मैपिंग के लिए एक अल्टरनेटिव डेफिनेशन और भी ध्यान में रख सकते हो कि मान लेते हैं कि एक मैपिंग है, एक पॉइंट आपने जेड नोड डोमेन में से लिया हुआ है, जेड प्लेन में से लिया हुआ है, ठीक है, और ये आपने डब्ल्यू प्लेन जिसमें आपकी इमेजेस आप नोट आउट करोगे, ठीक है। अब एक मैपिंग ले रहे हो आप एफ जेड, तो सबसे पहले तो ये एफ जेड नोट जो भी पॉइंट आएगा, मान लेते हैं सबसे पहले कि इसने जो मैपिंग आ रही है उसने आपके एफ जेड नोट को डब्ल्यू नोट पे इमेज किया, ठीक है, यहाँ पे डब्ल्यू नोट आ गया जो जेड नोट के लिए इमेजेस बन रहा था। फिर आप अगर टू कर्व्स लेते हो यहाँ पे, एक सी वन कर्व एक सी टू कर्व, इनके बीच का एंगल थीटा है, ठीक है, तो इनकी इमेजेस भी जो आएंगी सी वन की, हम मान लेते हैं कि जो सी वन की इमेज होगी वो कोई मान लेते हैं गामा वन, एंड सी टू जो कर्व है उसकी इमेज गामा टू, तो गामा वन और गामा टू नए यहाँ पे कर्व्स आ जाएंगे इमेजेस के तौर पे, ठीक है, और इनके बीच में एंगल होगा अल्फा। तो इसके बाद में तो हम अब इस मैपिंग को कन्फॉर्मल कब बोलेंगे, इफ थीटा एंड अल्फा इक्वल हो जाए, यानी कि इस मैपिंग ने अगर प्रिजर्व कर रखा है थीटा और अल्फा को, कोई चेंज नहीं आए, विच इम्प्लाइज दैट एफ जेड इज कन्फॉर्मल, और कन्फॉर्मल है तो पक्का, तो आप ये इफ एंड ओनली इफ में भी बात कर सकते हो, अगर इसने थीटा और अल्फा में कोई चेंज नहीं किया तो एफ जेड कन्फॉर्मल होगा, और अगर एफ जेड कन्फॉर्मल है तो पक्का इन एंगल्स को वो प्रिजर्व ही करने वाली है। तो ये आप अल्टरनेटिव डेफिनेशन भी याद रख सकते हो कन्फॉर्मल मैपिंग के लिए, ठीक है। क्वेश्चंस करने के लिए जो हमने पीछे डेफिनेशन किए उसी का यूज़ करेंगे, उसमें भी एग्जांपल करके देखे थे, वैसे आप ये भी डेफिनेशन याद कर सकते हो।